गुड मॉर्निंग. आज हम लोग यहाँ पे फिर से मिल रहे हैं साइंस क्लास के लिए. पिछले जो क्लासेस हुआ था उसमें आपको प्लांट्स के बारे में मैं आपको बताई थी कि प्लांट्स जो है हमारे देश में कौन कौन से बाहर के देशों से हमारे देश में लाया गया और फिर यहाँ पे हम लोगों ने उसको कल्टीवेट किया और उससे हम लोगों ने फसल लिया. लेकिन अभी हम आगे जाएंगे इसी को बढ़ते हुए कि जब बहुत सारे पेड़ पौधे एक जगह उगते हैं तो उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं. हमारे घर में भी गार्डन होता है, बागीचा होता है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग तरह तरह के पेड़ पौधे लगाते हैं, जैसे फ्लावर्स का, फ्रूट्स का, और जब वो मतलब जब फूल खिलते हैं उसमें या फिर फ्रूट्स आता है तो उसको देखकर बहुत ही मन खुश हो जाता है. लेकिन कुछ ऐसे जगह होते हैं, कुछ ऐसे लैंड्स होते हैं जहाँ पे कि हम लगाते नहीं प्लांट्स को, लेकिन वो उनको अपने से अनवांटेड वो मतलब लग जाता है और फिर वो घना रूप ले लेता है. बहुत सारे प्लांट्स होते हैं उसमें, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं और सब सारे मिला करके वो वहां पे एक बड़ा सा लैंड एरिया को वो कवर करता है. तो ऐसा जगह जहाँ पे की पेड़ पौधे नेचुरली ग्रो करते हैं, उसे हम लगाने नहीं चाहते बल्कि वो नेचुरली ग्रो करते हैं, वैसे प्लेस को हम क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट. आप पहले भी सुने होंगे फॉरेस्ट. फॉरेस्ट मीन्स क्या होता है, जंगल. तो टुडे वी लर्न अबाउट फॉरेस्ट. फॉरेस्ट एंड देन आफ्टर वी विल लर्न अबाउट फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट पीपल. फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट फॉरेस्ट. व्हाट इज फॉरेस्ट? A large area of land on which trees and other plants grow naturally is called as forest. इसका मतलब क्या होता है कि बहुत बड़ा सा लैंड एरिया, बहुत बड़ा सा क्षेत्र, ऐसे कि आपके गार्डन से भी बहुत बड़ा, आप टीवी में या फिर बुक्स में जरूर देखे होंगे जंगल को, फॉरेस्ट को. तो एक बड़ा सा लैंड एरिया जहाँ पे की तरह तरह के पेड़ पौधे नेचुरली ग्रो करते हैं, छोटे बड़े सारे साइज के पेड़ पौधे होते हैं, चाहे वो फ्रूट्स के हो या फ्लावर्स के हो, वो सारे पेड़ पौधे होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेस्ट एरिया कहते हैं, जंगल कहते हैं. दे सपोर्ट ए लार्ज वैरायटी ऑफ फॉर्म दैट इंक्लूडेड एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमन बींग्स. और जंगल किसको बोलते हैं, वहाँ पेड़ पौधे तो होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं, इसके अलावा और क्या क्या होते हैं, प्लांट्स है प्लस एनिमल्स है प्लस बर्ड्स. तो ऐसा एरिया जहां पे कि नेचुरली प्लांट्स ग्रो करते हैं और वहां पे बर्ड्स एनिमल्स को शेल्टर मिलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं, जंगल कहते हैं. तो अब बात उठता है, जब जंगल कहते हैं तो हम लोग सोचते हैं ना बेकार का जगह है, जंगल है, वहां नहीं जाना है, जंगल है, जंगल से हमें क्या लेना देना है, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, ऐसा हम लोग सोचते हैं. बट नहीं, फॉरेस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस. कैसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो, हम जंगल से हमें क्या लाभ है, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट. तो टुडे आपको मैं बताऊंगी कि ये कैसे मतलब क्या क्या चीज हमको फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, व्हाई फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो सबसे पहली बात, फॉरेस्ट इज अ नेचुरल रिसोर्सेस. ये एक नेचुरल रिसोर्सेस है, यानी कि ये एक प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि ये हमें मतलब गॉड के द्वारा गिफ्टेड है, वो नेचर के द्वारा गिफ्टेड है, वो हमने नहीं जाके वहां पे लगाया है, वो बिल्कुल प्रकृति के द्वारा हमें दिया गया है. उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस. नेचुरल रिसोर्सेस और भी है, जैसे विंड है, एयर है, आपके हिल्स वगैरह, माउंटेन वगैरह, सारे नेचुरल वाटर है, ये सारे हैं नेचुरल रिसोर्सेस. तो क्या होता है ना कि आप पहले भी सुने हैं और पढ़े हैं कि ये जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जब वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करते हैं, प्रकाशसंश्लेषण की प्रक्रिया को करते हैं, तो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को वो रिलीज करते हैं, O2 को रिलीज करते हैं और उसको एब्जॉर्ब क्या करते हैं, CO2. CO2 मींस कार्बन डाइऑक्साइड. और आपको इसके ठीक अपोजिट ये भी पता है कि हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हम ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड और के साथ बहुत सारे गैस को अंदर लेते हैं, लेकिन हम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाकी सारे को छोड़ देते हैं. इट मीन्स ऑक्सीजन इज यूजफुल फॉर अस, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड. बट इन सेम टाइम plants take carbon dioxide for their photosynthesis process and release oxygen for us. So in forest, पेड़ पौधे भी same process करते हैं.
वो क्या करते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, वो पेपरों को यूज कर रहे हैं, और जो हमारे लिए यूजफुल है वो उसको हमको बैक कर रहे हैं। तो ये आप पहला समझ गए, फर्स्ट समझ गए कि हमें फॉरेस्ट से क्या मतलब फायदा है। तो सबसे पहले तो आपको क्या मिला फॉरेस्ट से, वहां ढेर सारे पेड़ पौधे होते हैं, तो आपको लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन मिलता है, तो वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द फॉरेस्ट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट थिंग, फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स। आपको पता है जंगल में ढेर सारे जंगली पेड़ जानवर होते हैं, चिड़िया होती है। अगर मान लिया जंगल ना होता तो शेर कहाँ रहता बताइए, भालू कहाँ रहता, हिरण कहाँ रहता, और हाथी कहाँ रहता? तो ये सारे एनिमल्स जो वाइल्ड एनिमल्स है, जो जंगली जानवर है, वो सारे को शेल्टर जंगल ही देता है, ताकि वो वहां सेफ रहे, प्रोटेक्टेड रहे। तो फॉरेस्ट क्या करता है, दे प्रोवाइड शेल्टर टू द एनिमल्स एंड बर्ड्स। ये सेकेंड फायदा है हमको फॉरेस्ट से, they provide shelter to the birds and animals. अब तीसरा कारण, forest से ही rainfall होता है, बारिश होता है, rainfall का main reason forest होता है। तो due to the forest we get a large amount of rainfall. और इसके अलावा आपको और ये भी पता है कि जंगल से हमें बहुत सारी चीजें मिलती है। क्या क्या मिलता है आप सोचिए, पहला तो बहुत ही कॉमन सा चीज है, वुड मिलता है। लकड़ी, आप इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, हमारे घर में बहुत सारे फर्नीचर है, लकड़ी के फर्नीचर होते हैं, हमारे डोर्स है, विंडोज है, डेस्क है, टेबल है, चेयर है, सारे चीज जो होते हैं, बेड होते हैं, सारे चीज लकड़ी की बनी होती है। इतनी सारी लकड़ी आती कहाँ से, आपके गार्डन से तो आता नहीं है, उनके तो आपके पेड़ पौधे है नहीं आपके गार्डन में, आप काट लो और बना लो कुछ भी। तो ये सारे जो हमारे नीड्स होते हैं, फूड्स के जो नीड है, वो सारा हमारा फॉरेस्ट से प्रोवाइड होता है। इसके अलावा आप देखते बहुत सारे मेडिसिन, आप आयुर्वेद का नाम सुने होंगे, उसमें सारे जो जंगली जड़ी बूटियां होती हैं, उससे वो दवाई तैयार होता है, आयुर्वेद का दवाई तैयार होता है। तो वो क्या होता है ना कि वो सारे जंगल से आते हैं। तो आप फूड तो मिला ही मिला, इसके अलावा क्या मिला, मेडिसिन। मेडिसिन मीन्स दवाई, बहुत सारे तरह की दवाइयां यहाँ से मिलते जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। तो आप खुद समझिए कि जंगल को हम लोग बिल्कुल बेकार सा जगह समझते हैं, बट वहां से हम लोगों को इतने सारे चीज मिल रहा है फॉरेस्ट में। इसके अलावा आपको गम भी मिलता है, गम समझते हैं ना, इसको बोन बोलते हैं, गम का भी प्लांट होता है, वहां से गम निकाला जाता है, बोन निकाला जाता है। और भी रबर, पेपर, जो आपका ये पेपर वगैरह क्या होता है, वो भी एक प्रकार का बांस होता है, बैम्बू ट्री होता है, उससे पेपर तैयार होता है। तो इन शॉर्ट आप समझ सकते हैं कि फॉरेस्ट आर मोस्ट यूजफुल प्लेस फॉर अस। सो we get oxygen, shelter for animals and birds, a large amount of rainfall, food, medicine and gum and papers. तो इतने सारे फायदे हैं हमें फॉरेस्ट से। एक बार और मैं सारी चीजों को एक छोटे बार फिर आपको समराइज करके थोड़ा सा बताती हूँ कि लार्ज एरिया, बहुत बड़ा क्षेत्र जहाँ पे कि नेचुरली प्लांट ग्रो करता है, उसको हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट। आप रिमाइंड कर लीजिए एक बार फिर से ब्रेन में कि फॉरेस्ट होता क्या है, जहाँ नेचुरली ग्रो करता है प्लांट, हमारे द्वारा नहीं लगाया गया है, वो नेचुरली ग्रो करता है, उसको फॉरेस्ट कहते हैं। और फॉरेस्ट से हमें क्या फायदा है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द फॉरेस्ट। तो मैंने यहाँ लिखा है कि क्या क्या आपको फायदा है, ये सारी चीज हमें फॉरेस्ट से मिलता है। इतना सुनने के बाद तो आपको खुद ही पता चल गया होगा कि फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों यूजफुल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फॉरेस्ट के बारे में तो मैंने बताया आपको कि वहाँ बर्ड्स एंड एनिमल को शेल्टर मिलता है। आपको पता है कि फॉरेस्ट में ह्यूमन बींग्स भी रहते हैं, पीपल भी रहते हैं। आपको पता है, कभी सुने हैं आदिवासी का नाम सुने हैं, ट्राइबल्स पीपल। तो ट्राइबल पीपल लिव इन फॉरेस्ट, जितने भी जो लोग जंगल में रहते हैं उसको फॉरेस्ट पीपल कहते हैं, यानी कि आदिवासी जिसे कहते हैं, जो कि जंगल में रहते हैं ट्राइबल्स कहते हैं। सम पीपल लिव इन द फॉरेस्ट आर कॉल्ड ट्राइबल्स। ये आप ध्यान रखेंगे इस टर्म को, ट्राइबल्स का मतलब आदिवासी, जिसको लोग हिंदी में बोलते हैं आदिवासी। तो पता है भारत ऐसा देश है ना कि यहाँ पे बहुत सारे लोग
जंगल में रहते हैं, जिनको हम लोग आदिवासी कहते हैं, खासकर आप रांची में चले जाइए, एमपी के कुछ एरियाज में चले जाइए, वहां पे ये सारे लोग रहते हैं आदिवासी। आप देखे होंगे आदिवासी लोग जंगल में जो रहते हैं, और वो खुली जंगल पे ही डिपेंड होते हैं, उनको बाहरी दुनिया से कोई लेना देना होता नहीं है। इवन फूड के लिए, शेल्टर के लिए, क्लोथिंग के लिए, सबके लिए वो जंगल पे ही डिपेंड है। अब कैसे है मैं अभी क्लियर करती हूँ। जैसे फूड के लिए वो डिपेंड है, इसका मतलब वो जंगल में जो भी चीज प्रोवाइडेड होता है, इवन फ्रूट्स, फ्लावर्स, रूट, स्टेम, जो भी उसको खाना है वो जंगल से ही मिलता है, उसी को वो खाते हैं, उसी से अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। और हमारे देश का तो एक बहुत बड़ा पार्ट, भारत का बहुत ऐसे स्टेट्स है जो कि जंगलों से भरा पड़ा है। जैसे कुछ का नाम बताए तो आपका झारखंड है, आपका मध्य प्रदेश है, चलिए छत्तीसगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है, उड़ीसा है, मणिपुर है, अंडमान निकोबार आइलैंड है, ये सब जगह में तो बहुत सारे लोग जो है वो पीपल्स जो होते हैं वहां रहते हैं, तो उनको हम लोग आदिवासी कहते हैं। पहली बात तो मैंने आपको बताया कि वो जितना भी फूड भोजन करते हैं वो सारे प्लांट से ही लेते हैं, चाहे वो किसी भी प्लांट का फ्रूट्स खाए, ग्रास खाए, रूट खाए, स्टेम खाए, वो सारी चीज खाते हैं जिसका जो यूजफुल होता है। इवन पत्ता खाना है तो पत्ते खा लेते हैं वो। कंदमूल का नाम आप सुने होंगे, बहुत साल पहले हमारे देश में भी बहुत एंशियंट टाइम्स में लोग खाते थे कंदमूल, लेकिन अभी भी आदिवासी जो पीपल होते हैं वो अभी भी कंदमूल ही खाते हैं और वहां पे वो सर्वाइव करते हैं। और इसके अलावा वो लोग पता है ना मांस भी खाते हैं। किसका खाते हैं? तो वहां क्या करते हैं ना, जो एनिमल्स उनको दिखते हैं वो उनको क्या करते हैं, शिकार करते हैं, हंटिंग करते हैं, और उसके बॉडी पार्ट्स को भी खाते हैं, उससे वो अपना पेट भरते हैं। इसके अलावा वो कुछ ऐसी पत्तियां होती है जिसको भी वो लोग यूज करते हैं, जैसे कि जब मैंने बताया इमली का पत्ता आप जानते हैं बहुत यूजफुल होता है, यूकेलिप्टस होता है, एलोवेरा होता है, ये सब पत्तियों के रस को, जूस को वो लोग खाते हैं और अपने मतलब मेडिसिन में भी उसको यूज करते हैं। और वहां की जो लेडीज होती है वो जंगल के ही चीजों से अपना श्रृंगार करती है, अपने आप को डेकोरेट करती है। जैसे कि वो लोग क्या करती है ना, किसी जानवर का हड्डी हुआ उससे वो अपने ऑर्नामेंट्स तैयार करती है, या फिर किसी जानवर का सींग हुआ उससे वो ऑर्नामेंट्स तैयार करती है। अभी भी आप मार्केट में जाएंगे तो देखेंगे कुछ ऐसे ऑर्नामेंट्स होते हैं जो वो सब दांतों से या बोन से तैयार होता, बहुत कॉस्टली मिलता है। तो वो लोग जो वहाँ की लेडीज होती हैं, जो कि लेडीज ट्राइबल्स होती हैं, वो उसे अपने आप को डेकोरेट करती हैं। और क्या करते हैं वो लोग, किसकी पूजा करते हैं पता है? सन गॉड को पूजा करते हैं, सन में सूर्य, सूर्य भगवान की वो लोग पूजा करते हैं और उन्हीं का वो वर्शिप करते हैं। इसके अलावा मिट्टी, मिट्टी का पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वो उनका सारा लाइफ ही मिट्टी पे डिपेंड है। मिट्टी है तो पेड़ पौधा है तो वो उससे अपना अपने आप को खाते हैं, उन पेड़ पौधे को, वहाँ एनिमल्स पाए जाते हैं उनको वो खाते हैं। तो फुल्ली वो फॉरेस्ट पे डिपेंड है और इनडायरेक्टली वो सॉइल पे डिपेंड है, इससे वो मिट्टी को भी पूजा करते हैं। अब बात उठती है कि अब जैसे जैसे कि जनरेशन चेंज हो रहा है, लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपने आप को थोड़ा डेवलप कर रहे हैं, तो फॉरेस्ट पीपल भी डेवलप कर रहे हैं अपने आप को। तो वो क्या करते हैं ना, जंगल से मिली हुई चीजों को कलेक्ट करते हैं, उससे नया प्रोडक्शन बनाते हैं और उसको मार्केट में सेल करते हैं, और मार्केट में सेल करने के बाद जो उनको अर्निंग होता है वो उससे भी अपनी सर्वाइव करते हैं अपनी लाइफ को। जैसे कि वहां पे रॉ मटेरियल्स तो बहुत मिलता है, क्या मिलता है? पत्ते। तो पत्ते मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, पत्ते को सिल के पत्तल होता है जिसको हम लोग पार्टी वगैरह में जाते खाते हैं, तो वो पत्तल तैयार करते हैं। इसके अलावा रोप्स, आप देखते हो नारियल की रस्सी बनती है, वो रस्सी भी वही लोग तैयार करते हैं। बहुत सारे बास्केट, बास्केट होता है, टोकरी होता है, बांस की टोकरी होती है, वो सारी यही लोग तैयार करते हैं और क्या करते हैं ना, फिर इसको मार्केट में ले जाते हैं और बेचते हैं। तो आज मैं आपको बताई हूँ फॉरेस्ट के बारे में, इम्पोर्टेंट ऑफ फॉरेस्ट के बारे में और फॉरेस्ट पीपल के बारे में। नेक्स्ट क्लास में आपको डिफॉरेस्टेशन के बारे में बताऊँ क्योंकि वो थोड़ा लास्ट टॉपिक है, उस पर ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत है। तो एक बार ध्यान से इस पूरे क्लास को फिर से एक बार मैं रिमाइंड कर रही हूँ। आप फॉरेस्ट, फर्स्ट टॉपिक फॉरेस्ट, अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड वेयर द प्लांट्स ग्रो नेचुरली इज कॉल्ड फॉरेस्ट। जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र जहाँ पे की पेड़ पौधे स्वतः ही प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं उसे हम कहते हैं फॉरेस्ट, मीन्स जंगल। दूसरा जो टॉपिक था कि फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, व्हाई इज द फॉरेस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो फॉरेस्ट इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस, व्हाई, हियर इज द पॉइंट, बिकॉज वी गेट ऑक्सीजन,
rainfall, shelter for animals and birds, food, medicine, gum and paper. इतने सारे चीज हमें जंगल से मिलते हैं तो इससे जंगल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है. Third point है tribes. The people who live in the forest are called tribes or आदिवासी. जो लोग जंगल में रहते हैं उन्हें हम tribes या आदिवासी कहते हैं. और वो लोग फुल्ली डिपेंड होते हैं फॉरेस्ट पे. फॉरेस्ट से ही वो फूड शेल्टर जो भी होता है वो वहीं पे वो उससे प्राप्त करते हैं और अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं. वो बहुत सारे रूट्स फ्लावर्स प्लांट्स और ये लीव्स सबका यूज करते हैं जैसे एलोवेरा यूकेलिप्टस ये सब ये सारे चीजों का यूज करते हैं. उनके लाइफ में मोस्ट इम्पोर्टेंट सन होता है क्योंकि वो उसे भगवान की तरह पूजा करते हैं और सॉइल होता है मिट्टी होता है. और अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए वो कुछ काम भी करते हैं कुछ अर्निंग भी करते हैं जैसे रोप बास्केट मैट प्लेट्स ये सब बनाते हैं और इस तरह से वो अपने लाइफ को सर्वाइव करते हैं. तो आज के इस चैप्टर में मैंने आपको ये सारी बातें बताई है. आप घर में क्या करेंगे ये सारे टॉपिक को डिस्कस कर करके उसको नोट डाउन कॉपी में करेंगे कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ फॉरेस्ट. ये आपको इस क्वेश्चन को लिखना है और उसके आंसर को भी मेमोराइज कर करके उसमें लिखना है. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.